नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें हम जनजातीय नृत्य के बारे में पढ़े थे और वो उसका पार्ट वन था। मतलब कि हमने उस वीडियो पे बैगा, कोरवा, गोंड और ये गोंड की जितनी भी उपजातियां हैं उनके जनजाति, उनके नृत्यों के बारे में बात किया था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उराव, कंवर, भारिया, कोरकू और जितनी भी अन्य जनजातियां हैं जो नृत्य करती है उनके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उराव जनजाति की बात करेंगे। तो उराव जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं। कब करते हैं? तो ये चैत्र मास की पूर्णिमा को करते हैं। क्या होता है कि जो चैत्र मास की पूर्णिमा मतलब कि अप्रैल का समय होता है, उस समय साल वृक्ष में फूल खिलते हैं। इनकी जो आराध्या देवी है उनका नाम क्या है? सरना देवी, जो कि कहाँ निवास करती है? साल वृक्ष पे निवास करती है। तो ये इनकी आराधना में जब साल वृक्ष पे फूल खिलते हैं तो ये क्या करते हैं? चैत्र मास की पूर्णिमा को सरहुल का फेस्टिवल मनाते हैं, सरहुल डांस करते हैं। ठीक है, तो ये जो सरहुल का फेस्टिवल होता है ये इनका जो प्रकृति प्रेम को शो करता है। और ये जो सरहुल नृत्य होता है ये क्या होता है? ये इस जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य होता है। इस नृत्य में क्या होता है कि जो युवक होते हैं वो पीला साफा पहनते हैं और जो युवतियाँ होती है वो अपने जूड़े पे बगुले की पंख की कलगी लगाती है और डांस करती है। साल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं ये लोग? सरना देवी की पूजा करते हैं और उसके चारों ओर घूम के क्या करते हैं? डांस करते हैं। इस दिन क्या होता है कि सूर्य देवता और धरती माता की भी पूजा की जाती है। क्या किया जाता है कि इनका एक प्रतीकात्मक रूप लिया जाता है। जो मुर्गा होता है वो सूर्य देवता का रूप होता है और जो काली मुर्गी होती है वो किसका रूप होती है? धरती माता का। इनका इस प्रतीकात्मक रूप को लेकर इनका विधि विधान से विवाह रचाया जाता है, इनका मिलन किया जाता है, ये प्रकृति प्रेम को शो करता है। तो ये इस फेस्टिवल में किया जाता है और इस अवसर पर क्या किया जाता है? सरहुल डांस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंवर जनजाति की। तो कंवर जनजाति के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? बार डांस किया जाता है। कंवर जनजाति के द्वारा इस बार नृत्य का आयोजन जो है वो 5 साल में 1 बार, ठीक है, 5 साल में 1 बार माघ के महीने में किया जाता है। ये जो डांस होता है, इनका जो समारोह होता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 12 दिन तक चलता है। मतलब कि 5 साल में 1 बार माघ के महीने में लगातार 12 दिनों तक ये क्या करते हैं? बार नृत्य करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ ये नृत्य करते हैं? तो ये जो गाँव की कोई खुली जगह होती है वहां पर ये क्या करते हैं? भीम देवता की स्थापना करते हैं और वहाँ ये डांस का आयोजन करते हैं। प्रत्येक रात्रि को ये क्या करते हैं? एक बकरे की बलि देते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है? भोजन का समारोह होता है। जो समारोह का अंतिम दिन होता है उस दिन क्या होता है कि बहुत सारे बैलों को बांध दिया जाता है और उनमें से जो भी बैल जो होता है सबसे पहले रस्सी को खोल कर बाहर निकलता है उसे बैगा को दान दिया जाता है। ये जो परंपरा है इस जनजातियों में हजारों साल से चली आ रही है। ये जो बार नृत्य है ये बहुत हजारों साल से चला आ रहा है, लेकिन पीएल चंद्राकर का कहना है कि आज के टाइम पे ये जो बार नृत्य है ये सिर्फ और सिर्फ कोरबा और सरगुजा इन जिलों के किसी न किसी छोटे छोटे गांव में ही ये सिमट के रह गया है। इस जनजाति में क्या होता है कि जब भी कोई पीढ़ी बदलती है तो क्या होता है कि भैंस की बलि दी जाती है, लेकिन आज के ज़माने पे वर्तमान पे ऐसा हो गया है कि भैंस की बलि नहीं देते हैं इन लोग। क्या होता है कि जो भैंस होता है प्रतीकात्मक रूप से, चूंकि इनको बलि देना होता है इसलिए प्रतीकात्मक रूप से ये क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर भैंस का उसके कान को और उसके मूंछ को काट दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बार नृत्य होता है। कब किया जाता है? माघ के महीने में 5 साल में 1 बार गांव की किसी खुले जगह पर लगातार 12 दिन तक। प्रत्येक दिन बकरे की बलि दी जाती है, भोजन का समारोह होता है और 12वें दिन क्या होता है कि बैल को बांधा जाता है, जो बैल रस्सी खोल के सबसे पहले छूटता है उसे बैगा को दान में दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारिया जनजाति की। तो भारिया जनजाति के लोग कौन सा डांस करते हैं? भड़म नृत्य करते हैं। ये जो भड़म नृत्य है ये जितनी भी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। ठीक है, CGPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो आपके लिए आंसर क्या होगा? भड़म नृत्य। ठीक है, ये नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस नृत्य को केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और कम से कम 20 से 50 लोग मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरकू जनजाति की। तो कोरकू जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? थापटी नृत्य किया जाता है, ढांडल किया जाता है और डंडारी नृत्य किया जाता है।
थापटी नृत्य। ये जो थापटी नृत्य होता है ये चैत्र बैसाख के महीने में किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो पुरुष होते हैं वो पंछा पहनते हैं और जो स्त्रियां होती है वो चिरकोरा बजाते हुए डांस करती है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है, ढोलक और बांसुरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढांडल नृत्य की। तो ये ढांडल नृत्य जो है वो ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि जो भी पुरुष होते हैं, जो भी नर्तक होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को डंडे से प्रहार करते हैं। मतलब कि ये डंडा से किया जाने वाला नृत्य है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है, ढोलक होता है, बांसुरी होता है, मृदंग होता है, टिमकी होता है। ये सारे वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। ये जो नृत्य होता है, ये जो इसमें जो गीत गाया जाता है वो क्या होता है, श्रृंगार प्रधान होता है, श्रृंगार रस से भरपूर होता है ये जो नृत्य होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे डंडारी नृत्य की। तो डंडारी नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। जैसे कि समझ में आ रहा है कि डंडारी मतलब कि डंडे का प्रयोग करके इस नृत्य को किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो अन्य जनजातियां हैं वो कौन कौन सा नृत्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परब नृत्य की। ये जो परब नृत्य है ये धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। परब नृत्य एक्चुअली क्या है, एक सैन्य नृत्य है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो सफेद लहंगा, सलूखा, सिर में पगड़ी और मोरपंख लगाते हैं और जो स्त्रियां होती है वो पैरों में घुंघरू, सफेद साड़ी पहनती है और गले में पट्टा बांधती है। ठीक है, तो इनके द्वारा कतारबद्ध होकर ये सैन्य नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे करतब दिखाते हैं, जैसे कि पिरामिड बनाना हो गया, कंधे पे चढ़कर डांस करना हो गया। तो जो स्त्रियां होती है वो क्या करती है कि जो पिरामिड के नीचे से वो डांस करते करते निकल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि नृत्य को किया जाता है। चूंकि ये सैन्य नृत्य है तो ये वीर रस प्रधान होगा ऑब्वियसली। तो इस नृत्य में क्या होता है कि वीर रस होता है। ठीक, इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है, ढोल होता है, अलगोजा होता है, बांसुरी होता है। सारे वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल दहका। तो कोल दहका जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोल जनजातियाँ निवास कहाँ करती है, तो ये जनजातियाँ जो है स्पेशली सरगुजा में निवास करती है और सरगुजा के क्षेत्र में इस जनजाति के द्वारा जो कोल दहका नृत्य किया जाता है वो अपने हस्तचालन के लिए और नृत्य मुद्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस नृत्य में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो गायन और वादन करते हैं और जो स्त्रियाँ होती है वो क्या करती है, वो डांस करती है। इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है ढोल। मतलब कि जो पुरुष हैं वो ढोल बजाते हैं और गीत गाते हैं और जो स्त्रियां होती है वो क्या करती है, डांस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तारा नृत्य। ये जो जनजाति नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कोई स्पेसिफिक जनजाति नहीं है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो डांस होता है वो पुतली का नृत्य होता है। मतलब कि पुतली का नृत्य होता है, क्या होता है कि महिलाएं जो होती है वो लकड़ी का या घास की पुतलिका बनाती है, उसे कपड़े पहनाती है, आभूषण से सजाती है और उसे टुकनी में रखती है और नृत्य और अभिनय करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तारा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, जनजातीय नृत्य जितनी भी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो लगभग मैंने पूरा कवर कर लिया है। ये इसका पार्ट टू था, इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन बनाया था। तो आप लोग जब भी जनजातीय नृत्य को देखेंगे तो पहले पार्ट वन देखिएगा, उसके बाद पार्ट टू देखिएगा, तब आपको ये पूरा नृत्य जो है वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जनजातियों के द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है उसके बारे में। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।